40,000 करोड़ रुपया इन्होंने रोक लिया और फिर भी एमसी ने परफॉर्म किया। सिटी में आ गए, आपके गली गली में शराब के ठेके खुलेंगे और कोई बंद नहीं करवा। ये डंपिंग यार्ड यहाँ से शिफ्ट होगा होगा होगा। देखिए आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं आप लोगों को लेकर पहुंची हूं GG1 विकासपुरी में। यहां पर जो है बीजेपी की एक रैली देखने को मिली, यहां पर तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे। बात करें जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस बार, हरीश ओबेरॉय जी, उनकी पत्नी रीटा ओबेरॉय जी, जो यहां की पूर्व निगम पार्षदा थी, श्वेता सैनी वो भी यहां पर थी, साथ ही साथ जो सांसद परवेश वर्मा थे उन्होंने भी यहां पर अपनी जो शिरकत है वो की। इन लोगों ने तमाम वादे किए हैं, तमाम काम गिनाए हैं, एक दूसरे पार्टियों का जो नाम है वो लिया है, उन लोगों ने क्या भ्रष्टाचार किया है, क्या काम किया है, उसके बारे में भी जो चर्चा है वो यहां पर की गई है। पूरी खबर को ध्यान से देखिएगा, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। आपको अगर ये खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बने रहिए इस वीडियो में और देखिए इसे अंत तक। सबके बहुत ही आदरणीय और हमारे भाई सचिन जी ने उनके परिचय में बताया किस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने सेवा करी और हमेशा हम सबके साथ रहते, हर कार्यक्रम में हर जगह पे ऐसे हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी, इस जिला के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष सचिन भसीन जी, आज के दूल्हा और इस चुनाव में जो प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल लेकर निकले हैं, ऐसे हमारे बहुत ही जुझारू और मेहनती, ईमानदार और साफ छवि वाले हमारे कार्यकर्ता हरीश ओबेरॉय जी, और इनके साथ में जो है इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। कहीं चुनाव होता है तो पिछला निगम पार्षद जो होता है वो कभी कभी साथ नहीं देता, पर रीटा ओबेरॉय जी पूरा साथ दे रही हैं। मैं प्रवेश जी को बता रहा था, जग्गी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं अभी प्रवेश जी को बता रहा था कि जग्गी जी हमारा जो मंडल अध्यक्ष है उसकी एक खूबी है कि पिछले 15 चुनाव में कोई भी चुनाव हो, हमारे मंडल अध्यक्ष ने अपना बूथ कभी भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं, हमेशा जिता के भेजा। ये हमारे मंडल अध्यक्ष की खासियत है। हमारे बहुत ही जुझारू, जिनको विकासपुरी में सब सुधार समिति के नाम से जाते हैं, अभी तक बहुत बड़ा संघर्ष जो डंपिंग यार्ड का भी इन्होंने किया और लगातार कोर्ट में जा रहे हैं विकासपुरी के हित में। आज बड़ा खुशी की बात है कि पूरे मन से, पूरे मनोभाव से विकास त्यागी जी ने ये कसम खाई है कि पूरी ताकत लगाकर वो हरीश ओबेरॉय जी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी में दम के साथ सम्मिलित हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, यहां हमारे साथ बहुत प्रमुख लोग बैठे हैं, प्रवेश जी की हम बात सुनेंगे, लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि हरीश ओबेरॉय जी जो हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सचिन जी ने बताया, पर हरीश जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरल स्वभाव के हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। इस पार्टी में मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिले के मंत्री, जिले के प्रदेश की कार्यकारिणी के रूप में और जिले के महामंत्री के रूप में, सब रूप में इन्होंने काम किया और उसके बाद पार्टी ने इतने साल के संघर्ष के बाद इनको टिकट दिया है। और इनकी खासियत यह है कि पिछले कार्यकाल में मैं ये कह सकता हूँ कि आपके इलाके में, और मैं आपको ये वचन भी दे सकता हूँ
यदि आने वाले समय में, क्योंकि इनके काम करने का तरीका और किस तरीके से प्रवेश जी से बजट लेना है, किस तरीके से क्या काम करना है, इनको बहुत बेखूबी से ये करना आता है। और जिस तरीके का विकासपुरी का वातावरण है, इस वार्ड का वातावरण है, उसके लिए सही कैंडिडेट है। और मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी लाइन के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ कि यदि कोई दूसरा निगम पार्षद अपने वार्ड के लिए संघर्ष करके 10 करोड़ का बजट लेके आएगा। हमारे बहुत ही पुराने कर्मठ कार्यकर्ता विकास त्यागी जी को अभी जानकारी मिली कि उनको जिला में उपाध्यक्ष बनाया गया है, और भाई प्रवेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि उनको जिला अध्यक्ष जो है वो पत्र देंगे भाई प्रवेश शर्मा जी, और जोरदार तालियों से ये स्वागत होना चाहिए। आज मेरे को आपके सामने आप लोगों का सेवा काम करने का एक मौका दिया है, आपकी सेवा के लिए खड़ा हो दूंगा हमेशा, और प्रवेश शर्मा जी को कभी ऐसा नहीं महसूस होने दूंगा कि आपने हरी चीज जो है मैंने गलत चॉइस की, और इस हर उम्मीद पर मैं आपको खड़ा उठूंगा। दूसरे दो तीन आपके जो पॉइंट थे, एक विकास त्यागी जी जो कि एक यहाँ पर जो नेटफिल साइड है, जो वहाँ पे गार्बेज वाल्वा पड़ रहा है, उसके लिए विकासपुरी की सोसाइटी और वो कुछ लोग वहाँ पे एरिया के लोग बड़े वहाँ पे रोष में हैं, चिंतित हैं। विकास त्यागी जी उस मुद्दे को लेकर हर जगह उसका विरोध भी कर रहे थे और वहाँ पे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने विकास जी से मेरी बात हुई है और मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूँ कि माननीय परवेश वर्मा जी के माध्यम से वो साइट को हम अल्टरनेट साइट देके उसको हम शिफ्ट कराएंगे, 100% शिफ्ट कराएंगे, ये आप लोगों को वचन देता हूँ। इस वचन के आधार पर विकास त्यागी जी ने मेरी बात को मानकर आज हमारे साथ चलना शुरू किया है, और विकास जी को पता है कि हरीश जी का काम करने का तरीका जो कहते हैं वो करते हैं, जो इसलिए मैंने उनको वचन दिया था कि मैं माननीय प्रवेश वर्मा जी के अपने सांसद जी के प्रयास से आपका ये जो काम है ये करवाएंगे। दूसरी बात है सोसाइटी उसकी कुछ प्रॉब्लम है, वो इस तरह मेरे को बड़ी अच्छी पता है क्योंकि मैं खुद ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहता हूँ। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की प्रॉब्लम्स कॉमन होती है, कोई नई नहीं होती। उसके लिए भी मैं माननीय प्रवेश वर्मा जी के जो इनका एक हर महीने इनकी DDA की मीटिंग होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम DDA की होती है, उसमें भी अपना एजेंडा डलवा के लगातार प्रवेश वर्मा जी के उसके साथ फॉलो अप करके उनकी प्रॉब्लम कम। तो एक दिल्ली में दंगे कराता है, एक अवैध हथियार रखता है, एक शराब के माफियाओं से पैसे खाता है, एक हवाला का कारोबारी करता है, हवा दी नहीं, पानी साफ किया नहीं, सीवर साफ किया नहीं, एक नया विकास का काम किया नहीं, तो वोट किस बात की? सांसद की टिकट बेचते हैं, विधानसभा की टिकट बेचते हैं, निगम पार्षद की टिकट बेचते हैं। आप ये बताओ, जब दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे थे तो वो शराब के ठेकों को बंद करवाने का काम किसने किया? MCD ने, क्योंकि MCD में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर ये लोग गलती से MCD में आ गए, आपके गली गली में शराब के ठेके खुलेंगे और कोई बंद नहीं करवा पाएगा। जोरदार तालियां बजाओ भाई। सर ये बताएं, कार्यकर्ता उनको पीट रहे हैं, ये बताएं कि आपके साथ यानी कि BJP के साथ एक नया नाम जुड़ा है विकास त्यागी, इससे BJP को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, विकास त्यागी जी अच्छे हमारे कार्यकर्ता पहले भी रहे हैं और उनमें कार्य करने का इतना जुनून है कि कभी वो हमसे नाराज भी हो जाते हैं। आज वो दोबारा हमारे साथ में जुड़े हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मजबूत ताकत मिलेगी और चुनाव में हमें बहुत अच्छी अपना शक्ति मिलेगी। एक मुद्दा मैंने दो बार पूछ लिया क्योंकि कल से मैं जो है केशवपुर का सर्वे कर रही हूँ, डंपिंग यार्ड का बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है, शुरुआत से हम उसे कवर भी कर रहे हैं। यहाँ पर 8 सोसाइटी और 12 ब्लॉक जो इससे प्रभावित है, इससे कब तक लोगों को छुटकारा मिलेगा? हम उसकी ऑल्टरनेट साइट को ढूंढ रहे हैं और हमने 2-4 साइटें अभी हमने शॉर्टलिस्ट भी किए हैं, तो जैसे ही किसी एक साइट पर हमारा फाइनलाइज होगा हम उसको वहाँ पर शिफ्ट। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विकास त्यागी जो है वो मौजूद है, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आज आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से,
एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आप पहले निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए, फिर आपने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया? देखो ऐसा है, पार्टी मेरी पहले भी माँ थी और नरेंद्र मोदी जी की जो भावना है इस देश के प्रति, उससे मैं बहुत प्रभावित था। पहले भी मैं पार्टी का ही सिपाही था, लेकिन ये जो डंपिंग यार्ड का मुद्दा था जी, जो हमारी 8 सोसाइटी और 12 ब्लॉकों का एक बहुत ज़्यादा गंभीर विषय था, उस पर लोग दुखी हो रखे थे और उन्होंने ही मिलकर मेरे को कहा कि आप प्लीज़ इस मुद्दे को उठाएं और नगर निगम में और ऊपर तक हमारी आवाज़ उठाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन लोगों की आवाज़ थी कल को वो ये ना कह दें कि वैसे ये ज़मीनी नेता और धोखा देने के लिए आप के बीच में हमारा कहना नहीं मान रहा। मैंने पर्चा तो भर दिया था, लेकिन मेरा मन था कि मैं ये मुद्दा सांसद और जो हमारे प्रतिनिधि हैं हरीश ओबरा है इनके थ्रू ही उठाऊँ, क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है कि सेंटर में भी हमारी सरकार है और चाहते हैं कि नगर निगम में भी वही आए। अच्छा, अब जो है आपको बीजेपी का साथ मिल चुका है, अब जनता की कितनी ज़्यादा सेवा करेंगे? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको, आप जो है जनता के लिए काम करते रहते, चाहे आपको दिन में फ़ोन किया जाए चाहे रात में किया जाए, आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। अब तो आपको बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का साथ मिल चुका है, तो क्या लोगों की और भी ज़्यादा समस्याएं आप सुलझाने वाले हैं? देखो मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी का पहले भी मेरा साथ था और बीजेपी का ही सिपाही था मैं, लेकिन अब सोसाइटी वालों से ही बैठ के बात हुई है। उन्होंने हमारे राजीव बब्बर जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने सांसद जी से और हरदीप पुरी जी से बात करके ही ये मुद्दा ऊपर उठाने की बात की है, और हमें आश्वासन दिया है और पूर्णतः आश्वासन दिया है सबके सामने कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ से शिफ्ट होगा होगा होगा। इसीलिए ही मैंने सब अपने जो सोसाइटियों के प्रेसिडेंट वगैरह हैं उनसे मिलकर तभी मैंने ये उनका समर्थन दिया। अभी लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी ने हरीश ओबराय जी को खड़ा किया और हरीश ओबराय जी ने हमारे डंपिंग यार्ड के लिए जो वादे किए हैं उन्हें पूरी तरह निभाने का वादा किया है उन्होंने, और हरदीप पुरी जी की एक मीटिंग करने जा रहे हैं जो हमारे 8 सोसाइटी और 12 ब्लॉकों के बीच में एक बड़ी सभा होगी, उसके बीच में पूरा पक्का वादा दिया जाएगा कि ये डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कितना उत्साह आप में इस चुनाव को लेकर, क्योंकि 4 तारीख को जो है चुनाव होने वाला है? उत्साह तो है कि जैसे भीड़ देख रहा हूँ, लोगों का रुझान देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास देख रहा हूँ, उस वजह से लग रहा है मुझे कि 101% हमारे हरीश ओबराय जी जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, और बीजेपी की लहर आपको देखने को मिल रही है। देखो लहर का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा पार्षद जरूर जीत के आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए तो देखिए, इस कार्यक्रम की पूरी झलक हमने आपको दिखाई। यहाँ पर जो है कई नाम जो है बीजेपी से जुड़े, एक विकास त्यागी जी का नाम है वो भी बीजेपी से जुड़ा, हालांकि ये पहले निर्दलीय की तरफ से खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने जो अपना नाम है वो वापस ले लिया। तो अब देखते हैं कि बीजेपी से जुड़ने के बाद क्या कुछ काम यहाँ के लोगों के लिए होने वाले हैं। पूरे प्रोग्राम को हमने आपको दिखाया, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आप इस बार 4 दिसंबर को जो वोट डालने वाले हैं वो आप कौन सी पार्टी पर डालेंगे और किन मुद्दों पर आप वोट डालने वाले हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। अगर खबर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।